नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आम के पौधे के बारे में। ये इस आम में आज 8 जनवरी का दिन है, मंजर आ चुका है। एक बड़ा वाला लाइए तो इसको सपोर्ट लाइए। अब ये फूलों से लद गया है और ये झुक गया है। देखिए इसको इस स्थिति में छोड़ेंगे तो खराब हो जाएगा। इसको हम सीधा करेंगे और जो इसमें ज्यादा फूल है उनको हम निकाल देंगे। सपोर्ट दे रहे हैं, ये अरहर का सूखा हुआ डंठल है, बहुत मजबूत होता है, इसका हम इससे सपोर्ट देंगे। दवाई अशुभी और पूरा नीचे नीचे देखिए, और नीचे से पकड़िए, वहां से नहीं टूट जाएगा। और तो भाई हाँ, अब हम इसको सीधा बांध देंगे, इसको ठीक कीजिए, इसको और इधर कीजिए। बांधिए, ये क्या बांधिए, क्या करेंगे कि इसको ऐसे बांधे, ये अब इसको हम इसके फूलों को कम करें क्योंकि ये पौधा कलम किया हुआ है तो ऐसे 3 साल का, लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि इतने फूलों को ले पाए। तो अब हम इसको निकालेंगे। लाइटर है, सबसे पहले इसको हम इसको डिसइंफेक्ट कर लिया ताकि किसी तरह से इनको रोग ना हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये साइड में जा रहा है, अच्छा है, ये ठीक है, लेकिन ये जो साइड में जा रहा है इसको हम निकाल देंगे। ये ऊपर जा रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये निकाल देंगे।
इनको हमको ये बहुत जरूरी है इसको प्रूनिंग करना, क्योंकि अब ये हम एक एक का निरीक्षण करेंगे, इनका भार हमने कम किया, अब ये ठीक हो गया, ये ब्रांच ठीक है, ये दो ब्रांच ऊपर जा रहे हैं उसमें एक को रखना है एक को निकालना है। इसने ये ब्रांच ठीक है, नीचे वाले को निकाल देते हैं। इसमें ये ब्रांच इधर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, इसलिए इसको हम निकाल दें। इस प्रकार से अब ये स्वस्थ हो गया है, इसमें से इसकी जरूरत नहीं है, निकाल दिया। एक ब्रांच जा रहा था तो उसके ऊपर कोई ब्रांच की जरूरत नहीं थी। प्रकार से इसको सीधा करना पड़ेगा, एक और लाके सपोर्ट देकर। हाँ जो भी है, इसको सीधा करना पड़ेगा, कर लेंगे, इसको सपोर्ट देकर इसको सीधा कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार ये है, इतना लदराया हुआ है, अब टिकोले भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इनको अब हम टिकोलों को निकालेंगे। देखिए छोटे छोटे टिकोले आ गए हैं, ये अलग ब्रांच जा रहा है इसलिए इनको जाने देना। टिकोलों को हम निकाल देंगे, अभी भी इसको सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि नीचे गिर रहा है, अभी सपोर्ट हम देंगे। जब आम फलते हैं तो हमको ये देखना है, आप देखिए इसमें कितने टिकोले आए हुए, लेकिन हम करेंगे ये कड़ी इधर हटा दीजिए मेरे पैर के नीचे। Thank you.
छह टिकोले में चार मैंने निकाल लिए, दो रहने लगी। एक पुश होंगे, इनको भी ऊपर करना है। इस प्रकार से एक एक पेड़ की रख दीजिए। अब इसमें तीन टिकोले आए हुए हैं, दो अच्छे पुष्ट हैं, लेकिन ये हम निकाल देंगे। अगर इस प्रकार से पौधों की सुरक्षा करेंगे, पौधों की सेवा करेंगे, तो पौधे आपको फल देंगे। अब देखिए ये लदे हुए हैं और हमने इनका आगे का ग्रोथ बढ़िया हो इस सब में लगाना पड़ेगा। एक एक गड़बड़ है, देख लीजिए मोदर ऐसे नहीं आना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आम के पौधों को उसकी ग्राफ्टिंग हम कैसे करेंगे, और ग्राफ्टिंग करके ज़्यादा फल और ज़्यादा स्वादिष्ट फल हम कैसे प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आद्या ऑर्गेनिक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। पूर्णतः जैविक विषमुक्त आहार की ओर बढ़ें, इस अभियान में शामिल हूँ। जय पर्यावरण, जय हिंद, जय आद्या ऑर्गेनिक।